ये कहानी है मुंबई शहर में रहने वाले बकुल वसावड़ा की, यानी मेरी। सर आज तो एकदम हरा भरा कबाब लग रहे हो। लोग कहते हैं कि शादी इंसान की जिंदगी में सर एक नई सहर लेके आती है, लेकिन मेरी जिंदगी में शादी एक सहर नहीं बल्कि कहर बनकर आई है। बकुल बकुल तुम तो मेरा एक आखिरी काम कर दोगे? सर इस साल का अपना 50 लाख का टारगेट मैं पूरा कर चुका हूँ। अरे नहीं पगले, कोई टारगेट नहीं दे रहा मैं तुम्हें, मैं शीना का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपना चाहता हूँ। क्या? 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 कहते हैं कि एक ही जगह पे बिजली दो बार नहीं गिरती, पर बदकिस्मती के सारे रिकॉर्ड तो मुझे ही तोड़ने थे। नमस्ते बहन जी। अरे क्या बहन जी, ये बीवी है तेरी? हाँ मजाक कर रही है बा। सोलू मजाक नहीं कर रही हो, ये सच में तेरी बीवी है। क्या क्या क्या? एक तरफ शहर वाली शीना। और दूसरी तरफ गांव वाली जिग्ना। पढ़ी लिखी तो इतनी है कि 1 से 20 तक की गिनती ये ऐसे ऐसे बिना अटके बोल देती है। 1, 2, 3, 4 12। और इस कहर की असली वजह थी मेरी माँ कोकिला। मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता। देख डोलू, अगर तूने ऐसा कुछ भी सोचा ना, इसमें जो जहर है वो खाके मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं देखी। और शीना के पापा रंजीत, बेटी की शादी आपने एकदम समय पे कर दी है। आप बच गए, लेकिन अभी आपको अगर चिरायु होना है तो आप जल्द से जल्द नाना बनना होगा। बॉस और माँ दोनों को बचाने के चक्कर में मैं बेचारा खुद सूली पर चढ़ गया। यूं तो मेरी लाइफ में मुंबई का वड़ा पाव और गुजरात का जलेबी फाफड़ा दोनों के ही स्वाद है, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ एकदम बेस्वाद है। क्यों ने? हमारा गाँव माँ मर्द बहुत पीते हैं। बहुत पीते हैं, पर मैं गाँव का नहीं समझी। पर मर्द तो हो ने। गुड मॉर्निंग, तुम्हारी चाय। अब देखना ये है कि ये बेस्वाद जायका किस हद तक जाएगा। हबी जल्दी घर आओ ना, मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं। जो भी हो, दो बीबियों के बीच फंसा ये पति बेबी चले आपको बहुत हंसाएगा। अबे नमस्ते सर, इतना अखबार उठाओगे तो एक दिन खुद खबर बन जाओगे। भाग बकुल भाग, 15 मई से सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे सिर्फ कलर्स पर।